हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास. दिस इज़ द पोएम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर एंड द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ अ फोटोग्राफ एंड दिस पोएम इज़ कंपोज बाय सिरिल थॉमसन. सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस पोएम, दैट वॉट this poem actually says. So in this poem, the poetess is actually remembering her mother and her past days. Now her mother is not with her, that is why she is recalling some memories with her mother and one of the incident that happened some years back, and she is mentioning in this poem when her mother went some place with her two cousins. So let's read the poem and understand its meaning. Starting with the first paragraph, first stanza, sorry. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. And she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's. That was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. So, सबसे पहले हम यहाँ कुछ word meaning देख लेते हैं. तो यहाँ पर transient का मतलब होता है वो चीज़ जो परमानेंट ना हो, ठीक है, नॉट परमानेंट, ठीक है, टेम्प्रेरी भी हम इसे कहते हैं, राइट. एंड पैडलिंग, ठीक है, पैडलिंग का मतलब होता है वॉकिंग बेयर फीट, ठीक है, वॉकिंग बेयर फीट मतलब नंगे पांव चलना, बिना स्लीपर के, बिना शूज के, ठीक है. ओके, आगे देखते हैं, जो भी चीज़ यहाँ आएगी उसे हम डिस्कस करेंगे. तो पोएटिस जो है शिर्ली थॉमसन, यहाँ पर अपनी माँ के साथ कोई एक टाइम, एक बिताया हुआ एक समय पास्ट में जो उन्होंने अपनी माँ के साथ बिताया उसको याद करते हुए कहती हैं. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. कार्डबोर्ड का यहाँ पर मतलब है पिक्चर, फोटोग्राफ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, पिक्चर, या हम फोटोग्राफ कह सकते हैं यहाँ पर. तो जो फोटोग्राफ है, पोएटिस कहती हैं जो फोटोग्राफ है वो हमें ये बताता है कि जब जो दो लड़कियाँ थी, ठीक है, टू गर्ल कज़िन वेंट पैडलिंग, मतलब इस फोटो में हमें उस समय की याद आती है जब दो गर्ल कज़िन कहाँ गई थी, पैडलिंग, ठीक है, मतलब नंगे पैर वो घूमने गई थी. अभी कहाँ, ये अभी यहाँ हमें पता चलेगा, आगे पढ़ेंगे. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो. तो दो कज़िन थे और साथ में पोएटिस जो हमारे पोएटिस हैं उनकी माँ थी, उनकी माँ और साथ में दो कज़िन थी, वो लोग क्या किए, पैदल घूमने गए और उन दोनों लड़कियों ने, जो कज़िन थी, दोनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ रखा था, एक एक हाथ दोनों ने पकड़ रखा था. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, और जो उसकी माँ थी, पोएटिस की जो माँ थी वो उनमें सबसे बड़ी थी. और ये जो बात है, मतलब जबकि बात है, तो उनकी माँ की उम्र जो थी वो लगभग कितने थी, 12 साल के आसपास की थी, ठीक है. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर विद द अंकल, एट द अंकल विद द कैमरा. तीनों जो है शांत खड़े होकर स्माइल कर रहे थे, उनके बाल उन्होंने बाल फोटो खिंचाने के लिए अच्छे कर रखे थे, बाल बना रखे थे, या मे बी उन्होंने बाल का कुछ हेयर स्टाइल बना रखा होगा. और वो तीनों जो है, जो कैमरा वाले अंकल थे फोटो खींचने वाले, उनकी तरफ स्माइल करते हुए देख रहे थे. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. और ये जो बात बता रहे हैं
पोएटेस, तो ये कब की है, जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था। और वो कहते हैं जो मेरी माँ का फेस था वो काफ़ी, वो बहुत स्वीट था, वो बहुत ही देखने में स्वीट थी, मासूम थी, बहुत ही सुंदर थी। और ये तब की बात है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और जो समुद्र है, जो कि पहले जैसा था ठीक उसी तरह आज भी है, जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसने क्या किया, समय के साथ उनके जो कदमों के निशान थे वो भी अपने साथ वो क्या किया, बहा ले गया। ठीक है, आप जानते हैं कि जो पानी होता है, यदि आपके कदमों के निशान है कहीं पर, तो लहरों के साथ वो जो है क्या करता है, उसको बहा ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका कहने का तात्पर्य ये है कि समय के साथ समुद्र जो है नहीं बदला है, लेकिन वो समय जो है निकल चुका है, और जो लोग थे मतलब उनकी जो माँ थी वो अब उनके बीच नहीं है, वो जो है जा चुकी हैं। एक बार फिर से इस कंप्लीट स्टैंजा को देखते हैं, तो यहाँ पर पोएटिस एक फ़ोटो को देखती हैं और वो रिमेंबर करती हैं, अपनी माँ को याद करती हैं और बताती हैं कि इस फ़ोटो में जो दो लड़कियाँ हैं वो पैडलिंग करने मेरी माँ के साथ गई, दोनों ने उनके हाथों को पकड़ रखा था, और मेरी माँ जो थी उन तीनों में सबसे बड़ी थी, और उस समय उनकी एज लगभग 12 साल के आसपास थी। तीनों जो है फ़ोटो खिंचवाने के लिए स्माइल करते हुए जो कैमरा वाले अंकल थे उनके सामने खड़े हुए, और जो मेरी माँ का फेस था वो बहुत ही स्वीट था, और ये तब की बात है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। और समुद्र जो कि अभी भी जिसमें बदलाव नहीं दिखाई देता, वो समय के साथ उसने क्या कि उनके जो कदमों के निशान थे वो समय के साथ वो बहाकर ले गया, मतलब समुद्र तो नहीं बदला है लेकिन वो जो लोग थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब मेरी माँ जो है अब इस दुनिया में नहीं, उनके कदमों को निशान वो बहा ले गया। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब वो यहाँ बताते हैं कि कुछ 20 या 30 सालों बाद वो उस स्नैपशॉट अर्थात फ़ोटो, ठीक है, पिक्चर जो है उसको देखती थी और कहती थी, क्या कहती थी, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, वो कहती थी देखो बेटी और डॉली। बेटी और डॉली कौन है, वो जो दो अलग जो अदर जो गर्ल्स हैं, दो कज़िन हैं, ठीक है, वो हैं। तो कहती थी मेरी माँ देखो बेटी और डॉली एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। देखो कैसे उन्होंने हमें बीच के लिए तैयार किया था, मतलब जब हम समुद्र में गए किनारे पर, तो कैसे जो अंकल थे फोटोग्राफ ले रहे थे जो, उन्होंने कैसे हमें ड्रेस किया था, किस तरह से हमें कपड़े पहनाए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। जो समुद्र हॉलीडे था वो मेरी माँ का पास्ट था, और मेरे लिए उनकी जो हंसी थी वो पास्ट था, अर्थात ना तो उनकी माँ है अभी उनके पास और ना उसकी लाफ्टर है ना उनकी हंसी है, केवल यादें हैं। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यहाँ पर राय का मतलब है डिसअपॉइंटेड, ठीक है, डिसअपॉइंटेड, निराश, ठीक है। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि दोनों जो हैं दोनों डिसअपॉइंट हैं इस बात को लेकर कि जिस उन्होंने इतना मेहनत किया, लेकिन उन्होंने इतना परिश्रम किया और आज जो है वो हमारे बीच में नहीं है, अर्थात उन्हें जाते हुए जाने में एक भी समय नहीं लगा, वो बहुत आसानी से हमारे बीच से चले गए, इस चीज़ के लिए वो क्या है, डिसअपॉइंटेड है। एक बार फिर देखते हैं इसका मतलब। यहाँ पर वो कहती हैं कि कुछ 20-30 साल बाद जब वो फ़ोटो को देखती थी, स्नैपशॉट को, मेरी माँ तो कहती थी बेटी और डॉली देखो कैसे हमें अंकल ने वो फ़ोटो के लिए तैयार किया था, किस तरह से हमारी ड्रेसिंग की थी, और जो सी हॉलीडे था वो मेरी माँ का पास्ट था, पास्ट में वो उन्होंने हॉलीडे बिताया था, और मेरे लिए उनकी जो हंसी है वो पास्ट है, क्योंकि अब वो मेरे पास नहीं है ना ही उनकी हंसी है। और दोनों जो है इस लॉस को लेकर क्या है, डिसअपॉइंटेड है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव। अब यहाँ पर वो कहती हैं कि अब जो मेरी माँ है वो इस दुनिया में नहीं है, और लगभग उनको मरे हुए ठीक उतने ही साल हो गए जितने साल
उस लड़की ने, अर्थात जो पिक्चर में जो उनकी माँ थी, जो उनकी एज थी, जितना साल तक वो उस समय जी थी, मतलब 10 या 12 साल की जितनी थी, उतना ही समय उन्हें अब इस दुनिया से गए भी हो गया है। ठीक है, कुल मिला के मतलब ये है कि उनको 10 या 12 साल लगभग मरे हुए हो गए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और ऐसी स्थिति में, सर्कमस्टेंस मतलब स्थिति परिस्थिति, और ऐसे समय में कुछ भी कहने के लिए नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, कुल मिलाकर क्या है, साइलेंस और साइलेंसेस मतलब सन्नाटा, चुप्पी। ठीक है, तो बेसिकली पोएम में जो पोएट्रेस हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी माँ को याद कर रहे हैं और एक फ़ोटो को देख रहे हैं जहाँ पर उनकी माँ अपनी दो कज़िन के साथ एक सी हॉलीडे पर जाती हैं और वहाँ वो एक फ़ोटोग्राफ खिंचवाती हैं, और वही वो लास्ट समय था जो उनको याद है। और उसके बाद आज प्रेजेंट टाइम में पोएट्रेस की जो माँ है वो उनके साथ नहीं है, और इस बात को अब उनके पास केवल उनकी यादें हैं और उनके दिमाग में केवल उनकी जो हंसी है उनके माँ की, वही वैसे उसकी छवि है। और उस बात को याद करके वो काफ़ी निराश हुई, डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि अब आज उनके पास वो चीज़ नहीं है, उनकी माँ उनके साथ नहीं है, और केवल अब क्या है, साइलेंस और साइलेंस। ठीक है, तो इसको आप एक बार खुद से और अच्छे से घर में आप पढ़िए और ट्राई करिए एक्सप्लेन करने की खुद से। ठीक है, इसमें ये वर्ड मीनिंग है, ये मैंने आपको बता ही दिया, पेडलिंग मतलब टू वॉक बेयर फीट, और ट्रांजिएंट मतलब जो चीज़ परमानेंट ना हो, टेम्प्रेरी हो। ठीक है, और भी जो आपको वर्ड ऐसे लगते हैं डिफिकल्ट हैं उनको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पर ये आपका पोएम कंप्लीट होता है, और इसके जो एक्सरसाइज हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, देर आर 7 क्वेश्चंस इन ऑल, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको होमवर्क ये है कि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी में लिख के आपको मुझे भेजना है। ठीक है, जिस दिन आपको वीडियो मिलेगा उसके नेक्स्ट डे आपको ये होमवर्क भेजना है। राइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।